अलोनी गोबरी की जो भस्म होती है, गाय जो पोटा करती है और वो गाय का जो गोबर होता है वो सूख जाता है, सूखने के बाद जो उसकी भस्म होती है वो भस्म बड़ी काम की होती है। उसको जब जलाते हैं और जलाकर उसकी भस्म बनाते हैं तो वो बड़ी काम की रहती है, बहुत काम। हम तो यहां तक कहेंगे जिस नारी के बच्चादानी के अंदर अगर गर्भ में गांठ हो गई है या बच्चादानी के अंतर्गत कोई भी परेशानी उसके जीवन में आ गई है कि डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी ये ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो हम इस निवेदन को जरूर करना चाहेंगे कि प्रयास करिएगा। देसी गाय जब गोबर करे, पोटा करे और वो सूख जाए, वो सूखा हुआ जो गोबर का पोटा रहे सूखा हुआ, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर देवदिदे महादेव को समर्पित कर उसको उठाकर डिब्बी में रख लीजिए, एक डब्बी में उसको रख लो और उस भस्म को सोमवार के दिन से लेकर 7 दिन तक लगातार थोड़ा थोड़ा सा उस भस्म को अपने उदर पर त्रिपुंड का भाव, उस भस्म से त्रिपुंड का भाव कि मेरा महादेव मेरे गर्भ की रक्षा करेगा, त्रिपुंड का भाव, और उसी भस्म को मुख में थोड़ा सा लेकर देवदिदे महादेव के चढ़े हुए जल का आचमन करिए। जो गर्भाशय में जो भी तकलीफ होगी मेरा देवदिदे महादेव उसको अच्छा कर, गर्भस्थ तकलीफ,